ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप, आपका दोस्त, और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, उसके साथ जो ब्रॉडर मार्केट इंडस्ट्रीज है उसको लेके और ग्लोबल मार्केट क्यूज को लेके। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का जो CEP होता है, यानी कि स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है, उसके बाई साइड में और इंट्राडे में काम करते हैं। तो ये एक पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है लाइव मार्केट में। मैं ये बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है और किस रेट पर उसका कॉल पुट को बाय करना है और कहाँ पर उसको छोड़ना है। पूरा एक लाइव मार्केट सपोर्ट आपको व्हाट्सअप सपोर्ट के दौरान मिलेगा, उसको देख के, ताकि आप उसके अंदर ट्रेड ले पाए। ठीक है, तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसका छोटा सा एक फीस है 799 पर मंथ। तो अगर आपको जोड़ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अब चल पड़ते हैं आज का वीडियो के ऊपर और निफ्टी के ऊपर। जिस तरह से बात हम लोग करके गए थे, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि निफ्टी की हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो नीचे वाला पैटर्न है यहाँ पर हम लोग कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं। अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, हालांकि बीच में 2-3 बार ऊपर की तरफ रिवर्स बैक, ऊपर की तरफ बाउंस हम लोग लेंगे, जिस तरह से लास्ट एक दो दिन हम लोगों ने देखा, लेकिन दूसरे दिन ही हम लोग दोबारा नीचे आने का कोशिश किए। अब पूरा यहाँ पर जो जैसा स्थिति है निफ्टी के ऊपर, एक बार तो हम लोग ये पिक्चर हम लोगों का क्लियर है कि ये जो पूरा एरिया था, यानी कि ये जो कैंडल्स यहाँ पर बन, ये जो वेव्स यहाँ पर बना था, ये पूरा एरिया का अगर रिट्रेसमेंट हम लोग लगा लेते हैं, ये पूरा एरिया का अभी भी 62% कंप्लीट नहीं हुआ है। 62% ये आ रहा है 16,700 के आसपास। तो यहाँ तक तो हम लोग इजीली आ सकते हैं, लेकिन फिर से मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर सेल करके सेलर्स को कमाना नहीं, यहाँ पर इजी नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में एक दो दिन हम लोग 1-1.5% ऊपर की तरफ भी बाउंस देखेंगे, लेकिन हम लोग रेंगते थोड़ा ग्राइंडिंग करते करते नीचे की तरफ आ रहे हैं और वैसे ही हम लोग चलने का चांसेस ज़्यादा है। अब ये एरिया आ ही सकते हैं, हम लोग ये एरिया तक भी आ सकते हैं, इसका 78% 16,100-16,200 के आसपास आ रहा है, लेकिन वो दूर का बात है। हम लोग पहले मंडे के लिए बात कर लेते हैं। मंडे के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी जो है ये एरिया को ब्रेक कर रहे हैं 17,400, तभी उसको हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर से हम लोग बाय करना यहाँ से थोड़ा रिस्की है। स्पॉट का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया हूँ, उसको देखिए, अपने अपने रिस्क को देखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। और अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी दोबारा इस एरिया को 17,050 उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहे हैं, वहाँ से उसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। उसका भी जो लेवल मैंने कैश का स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। एक बात यहाँ पर मैं बहुत क्लियर करके आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं देता हूँ। मैं चार्ट खोल के सारे चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मेरा जो व्यू होता है ऑनेस्ट व्यू, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब आप उस व्यू को लेने के बाद उसको किस तरह से काम करें वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर सारे चीज़ें जो भी बताया जाते हैं ये सारे एडुकेशनल पर्पस बताया जाते हैं। रिस्क मार्केट में हमेशा होता है, तो अगर आप रिस्क उठा पाते तभी काम कीजिए, अदरवाइज खाली इसको सीखने के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, अब हम लोग थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में चल पड़ते हैं। और ब्रॉडर मार्केट का जो स्थिति है, पहले हम लोग देख लेते हैं ये निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का जिस तरह से कैंडल यहाँ पर बना है, लास्ट दिन का कैंडल कुछ अच्छा नहीं है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि यहाँ से जिस तरह से हम लोग सपोर्ट लिया है, हम लोग एक बार ऊपर चलेंगे, तो हम लोगों ने देखा ऊपर हम लोग गए थे। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था ये 38% जो कि 42,750 के आसपास, वहाँ से दोबारा हम लोग रेजिस्टेंस हिट करेंगे, तो वैसे ही हुआ, हम लोग वहाँ से नीचे आ रहे हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इस लो को दोबारा टेस्ट करें, वो बहुत ही पॉसिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया दोबारा नीचे काटने के लिए आ रहा है और इसका 62% तक ये आ सकते हैं। और निफ्टी जूनियर अगर नीचे की तरफ मूवमेंट देते हैं तो
निफ्टी के अंदर भी हम लोग एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी मिड कैप अब देख लेते हैं। मिड कैप के अंदर भी किस तरह से कैंडल, लास्ट दिन का कैंडल कुछ अच्छा नहीं है, ऊपर से बना है एक इन्वर्टेड हैमर जैसा, और इसने भी हम लोगों को ये क्लियर कर दिया कि कहीं ना कहीं हम लोगों का नीचे की तरफ जो यात्रा था वो अभी तक हम लोगों ने ख़त्म नहीं किया है, अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत नीचे आ ही सकते हैं। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं, तो ये एरिया तो ये दोबारा आ ही सकते हैं 29,200 के आसपास। तो मिड कैप स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत हम लोग नीचे आ सकते हैं अभी भी। ठीक है, अब थोड़ा स्मॉल कैप के लास्ट दिन वाला कैंडल वो भी ऊपर से उतरा था, लेकिन वो नेगेटिव कैंडल नहीं था, ठीक ठाक सा कैंडल था। फिर भी मिड कैप और अगर सारे चीज़ें नीचे आते हैं, स्मॉल कैप के अंदर भी ये नेचुरल है, प्रेशर रहेगा। और स्मॉल कैप के अंदर मेरा जो व्यू है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इस एरिया तक ये आना चाहिए इसको 10,000 के आसपास, जो कि यहाँ से अभी भी 800 पॉइंट नीचे है। क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट पहले से हुआ था, इसके अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को देख के चलना पड़ेगा। अब थोड़ा हम लोग बाहर का मार्केट चल जाते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का ये कैंडल कुछ अच्छा, मतलब ठीक ठाक सा है, ऊपर से उतरा तो है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। फिर भी इसको हम लोग को देखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 दिन में ये नीचे आया था, उसके बाद 3 कैंडल ये बना चुका है। अगले 2 दिन में अगर इस हाई को ये काट नहीं पाते तो दोबारा हम लोग नीचे की तरफ इस लो को काटेंगे। और डॉलर इंडेक्स के बाद मैं आप लोगों को कह देता हूँ, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोगों का मार्केट नीचे आते हैं, और डॉलर इंडेक्स अगर नीचे आते हैं तो हम लोगों का मार्केट ऊपर जाते हैं, तो ये वाइस वर्सा है, तो इसको देख के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताते हुए गए थे कि निफ्टी के अंदर बाउंस बैक हो रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट उतना खास अच्छा नहीं है, ये हो सकता है कि हम लोग थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड इसके अंदर हम लोग देखें। फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह से कारोबार हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा यहाँ पर फील नहीं हो रहा है, इसको देख के जान इसके अंदर नहीं है। फिर भी अगर हम लोग इस एरिया को ब्रेक करते हैं 36,500 को, इंट्राडे में हम लोग एक बार उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। स्पॉट का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया हूँ, उसके हिसाब से अगर आपको काम करना है देख के काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेलिंग लेवल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं बाय साइड में। तो ये एक लाइव मार्केट सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, लास्ट दिन भी यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया हम लोगों ने। इसके अंदर एक छोटा सा फीस है 599 पर मंथ, तो अगर आपको जोड़ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। और अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे आने का कोशिश करते हैं, और इसका जो ये एरिया था, ये वाला एरिया 36,000 ही पकड़ के चलिए, उसके नीचे अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं, वहाँ से इसको हम लोग शॉर्ट सेल करके चलेंगे, तो उसका भी लेवल मैंने कैश का स्पॉट का स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने प्रीवियस को देखिए, उसके हिसाब से अगर आपको काम करना है देख के काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात दोस्तों, कल मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा परसों के लिए 4 इंटरेस्ट स्टॉक को लेके, तो वो जब मैं अपलोड करूंगा आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ एंड स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो ऑप्शन के ऊपर अगर आप काम सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डेमो वीडियो है, मेरा जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका एक क्लास मैं डेमो वीडियो की तरह एंड स्क्रीन में जोड़ दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।